हस्बैंड पुणे में मेरे को छोड़कर आकर के शादी कर लिया है। कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया शादी का। हाँ। क्या पति, आपका पति ने क्या बोल के आया कि मैं जा रहा हूँ शादी करने या घूमने जा रहा हूँ? तो बोले कि मेरे पिता का हाथ टूट गया है। अच्छा, पिता के हाथ टूटने का बहाना था और चले आया घर पे। हाँ। घर आके 9 दिसंबर को घर पहुँचे, कामाख्या माँ के मंदिर में जा करके शादी कर लिए। वो लड़की कहाँ की थी? चंदौली जिला की, गांव लखईपुर है। अच्छा, उनका ऐसे प्रेम प्रसंग का मामला कई है क्या? कई जगह उनका चक्कर चलता है क्या? मेरा पति पुणे में भी एक लड़की को फंसा के रखे थे। अच्छा। और शादी इस लड़की से कर ली है। अच्छा, तो मतलब इनको लड़की फंसाने का और शादी करने का, घूमने का एक शौक है, इनको चस्का लग गया है। तो आपको भी अब छोड़ दिए हैं? हाँ, तो आप से छोड़ के रखे? हाँ। तो आप अब क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मायके में भतीजा लोग के पास रह रही हूँ। आप कानूनी रूप से अपने एडवोकेट कर की होंगी, वकील की होंगी, अपना संबंधित जो भी थाने होंगे आप वहाँ पे सूचना भी दी होंगी। हाँ। तो अब तक क्या हुआ है इस मामले में आपके? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, केस चल रहा है। अच्छा। थाना में भी मैं 3 बार गई हूँ। एक बार तो 112 पर फोन करके उसके घर गई थी मैं, थाना को पुलिस को लेकर। हाँ। तो लड़की घर में पकड़ाई, मेरा हस्बैंड, मेरा ससुर सब लोग पकड़ाया। हाँ। फिर वो लोग थाने आए। हाँ। थाने आने के बाद वो लोग बोले कि तुमको हक देंगे कोर्ट में चल करके, और तू कर लो, सुलह कर लो, साइन ऑन करवा लिए, आ फिर वो कोर्ट में आकर के मेरे को न खर्चा दिए न सुलह किए। तो फिर मेरा ससुर बोले कि नहीं, हम केस लड़ेंगे, 2 बीघा खेत बेच के केस लड़ेंगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं देंगे।